नमस्कार बच्चों, आई एम निखिल शर्मा एंड माई सेल्फ सोनू कुमारी एंड वी आर द फैकल्टी ऑफ जूलॉजी फ्रॉम नारायणा जनकपुरी ब्रांच। आई होप आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, और जिसका अच्छा नहीं गया, वी विल प्रिपेयर टुगेदर फॉर द नेक्स्ट टाइम। बैटल इज नॉट ओवर येट, राइट। और अभी हमने पेपर आया हमारे पास, हमने एनालिसिस किया है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में, कुछ चेंजेस आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे ज़्यादा जिस एरिया से क्वेश्चन आए हैं वो है एनिमल फिजियोलॉजी, उसके बाद सेल बायोलॉजी, और जो चेंजेस आए हैं सबसे ज़्यादा सेल बायोलॉजी के पोर्शन में आए हैं। लास्ट टाइम 2022 के पेपर में ओनली 3 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम सेल बायोलॉजी। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली जूलॉजी सेक्शन, राइट। तो जूलॉजी के सेक्शन में सिर्फ 3 क्वेश्चन थे सेल बायोलॉजी में लास्ट ईयर, बट इस बार मैसिव चेंज है, 7 क्वेश्चंस आर देयर। बाकी मैम आपको बताएंगी। हाँ, जैसा कि हम लोग सर ने बताया कि सिर्फ 3 ही सेक्शंस में हमारे चेंजेस आए हैं। एक तो हो गया सेल बायो, दैट इज बायो मॉलिक्यूल्स और सेल बायोलॉजी, जिसमें पिछली बार सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इस बार 4 क्वेश्चंस बढ़ के इस बार हमसे 7 क्वेश्चंस उसमें पूछे गए। एंड द सेकेंड चेंज जो आया है, दैट इज फ्रॉम बायोटेक वाला पार्ट। पिछली बार उसमें से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इस बार सिर्फ और सिर्फ 1 ही क्वेश्चन पूछा गया। और अगर हम एवरेज बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो हमारी हर बार रहती है, दैट इज फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी ओनली। पिछली बार 11 क्वेश्चंस, और इस बार भी हमारे ह्यूमन फिजियो से 12 क्वेश्चंस के आसपास में पूछे गए। हमारे ग्रैंड टेस्ट में से भी तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे एग्जैक्टली जैसा कि आप लोगों ने हमारे ग्रैंड टेस्ट भी दिया था, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे क्वेश्चंस एज इट इज ग्रैंड टेस्ट में से रिपीट हुए हैं। और हमारे पैकेज में से भी ऐसा हाईलाइटेड लाइन पूछे गए 12th क्लास के क्वेश्चन। एंड ओवरऑल अगर देखे तो पेपर वॉज एनसीईआरटी बेस्ड, सिर्फ 2 क्वेश्चन थे हम लोगों को जितना देखने को मिला कि जिसकी एनसीईआरटी से एज इट इज लाइन टू लाइन मैच नहीं करी, अदरवाइज बाकी के सारे क्वेश्चंस की एज इट इज लाइन टू लाइन एनसीईआरटी में मेंशन है। तो जैसा हम हमेशा फोकस करते हैं कि एनसीईआरटी को ही पढ़ना है, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़ना, ये चीज़ें बच्चों ने अभी फिर से एक्सपीरियंस करी होंगी कि ऑल द क्वेश्चंस वर फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। आपका रिजल्ट अच्छा है और नहीं आएगा तो वी विल प्रिपेयर टुगेदर, हार नहीं माननी है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच।